जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त आज जरूर करें ये एक दान। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में जन्माष्टमी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण कब करें और इस दिन किए जाने वाले एक विशेष दान के बारे में भी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्मोत्सव का यह पर्व जन्माष्टमी कहलाता है। कथाओं की माने तो श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में कंस के कारागृह में देवकी के 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में जन्माष्टमी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण व्रत और इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पारण के बाद किस चीज का दान करना शुभ होता है। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 6 सितंबर दोपहर 3:37 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर शाम 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर सुबह 9:20 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर सुबह 10:25 पर। निषेधकाल पूजा मुहूर्त होगा 6 सितंबर मध्य रात्रि 12:02 से 12:48 गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को और वैष्णवजन 7 सितंबर को जन्माष्टमी व्रत रखेंगे। पारण का समय होगा 7 सितंबर सुबह 6:09 के बाद और 8 सितंबर सुबह 6:02 के बाद। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। यह व्रत अष्टमी से शुरू होता है और नवमी को पारण के साथ समाप्त होता है। व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगले दिन अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें। अब देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और कलश स्थापित करें। लड्डू गोपाल को तिलक कर उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें और उन्हें माखन मिश्री भोग लगाएं। अंत में उन्हें झूला झुलाएं। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर पूजा सम्पन्न करें। जन्माष्टमी पर क्या दान करें। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से कष्टों से छुटकारा और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जन्माष्टमी व्रत के बाद व्रत का पारण करना चाहिए, इससे दीर्घायु, सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी होती है। व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करना शुभ होता है। इस दिन फल व अनाज का दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत के बाद पीले रंग के वस्त्र व अनाज का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।